हेलो कैप्टन बन आज रात के शो में आपका स्वागत है और जैसे मैंने कहा था जो एक बार प्रॉमिस कर देता हूँ नॉर्थ ईस्ट के फैंस बार बार बोल रहे थे आज फैंस जो थे एंड ऑल द कैप्टन ऑफ द शो वो बोल रहे थे कि भाई एक रिव्यू वीडियो ले आना इस मैच के बारे में फाइनली मैं रिव्यू वीडियो लेके चले आया हूँ सेकेंड हाफ में मैं नहीं था घर में सो एज अ रिजल्ट मैं में पार्ट में नहीं था बट अपडेट तो चल रहा था एंड फाइनली वी गॉट द रिजल्ट ऑफ टूडे नॉर्थ ईस्ट ने चार गोल से शिलोंग मैंने क्या लिखा है पार्थिव गोगोई इज अ स्टार पार्थिव सुंदर गोगोई को जब भी मैं कुछ अच्छा बोलता बोलते बहुत लोग बोलते हैं भाई यू बिंग पार्शियल नहीं भाई मैं पार्शियल नहीं हो रहा ये प्लेयर जेनरेशनल टैलेंट है ही इज अ जेनरेशनल टैलेंट और उसको वैसा ही ट्रीट करना चाहिए उसके पास वो सारी एबिलिटीज है जो उसको एक बहुत बहुत बड़े प्लेयर में तब्दील करती है एंड इट मेक्स इम बिग बिग प्लेयर फॉर नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के आज पॉजिटिव बहुत कुछ मुझे दिखे सब कुछ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में मैं वीडियो को शॉर्ट रखूंगा क्योंकि और भी लोग देख पाए जो लोग इस वीडियो को ये समझ के देख रहे हो कि भाई इस वीडियो में हाइलाइट्स रहेंगे नो हाई लाइट्स नहीं रहेंगे इस वीडियो में मैं मैच का एनालिसिस करूंगा जैसे नॉर्थ ईस्ट फैंस चाहते हैं एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो कुछ फाइव टॉकिंग पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं इस मैच के टॉकिंग पॉइंट नंबर वन वो है नॉर्थ ईस्ट का डिफेंस जो आज मुझे बहुत मजबूत लगा नॉर्थ ईस्ट का डिफेंस के बारे में कुछ बात बोलना जरूरी है आज हमने देखा तोंदम्बा दिनेश सिंह गौरव बोरा और उनके साथ फाइनली द कैप्टन नान अद, और गौरव बोरा इज द कैप्टन एंड ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर माइकल जबाको मिचेल जबाको का आज डेब्यू हुआ था और उनका परफॉर्मेंस मैं दस में से नाइन दूंगा फ्लॉलेस परफॉर्मेंस था बहुत अच्छी खेली थी टीम उनका एक लीडरशिप जो हमने देखा ही वॉज अ वेरी वेरी गुड इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर द टीम पूरे गेम में डिफेंस को लीडरशिप दिया उनका हेडिंग इंटरसेप्शन पासिंग सब कुछ लुक्स लाइक अ क्लास अपार्ट और बार बार बोल रहा हूँ लालिका के सेकेंड डिविजन में खेलने का एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस उनके पास है सो द फर्स्ट टॉकिंग पॉइंट इज नॉर्थ ईस्ट का डिफेंस जो आज के मैच में बहुत सॉलिड लगा येस yes, ये एक प्रॉपर टेस्ट नहीं था हम और भी ज्यादा टेस्ट देखेंगे जब ये टीम एफ गोवा के सामने आएगी बट राइट नाउ अब तक आज सो फार सो गुड

वो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड सी का यंग इंडियन कोर जो नॉर्थ ईस्ट का यंग इंडियन कोर है यही मैं थर्ड पॉइंट में बोलूंगा कुछ प्लेयर्स मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे नॉर्थ ईस्ट के लिए नॉर्थ ईस्ट के एक एक नाम तो पार्थिव गुगो यंग प्लेयर वो तो है ही अदरवाइज और भी प्लेयर्स जो यंग प्लेयर्स थे थोड़े और ऐसे प्लेयर्स थे जो नॉर्थ ईस्ट में पहली बार आ रहे हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था टू देर एबिलिटी आए यंग प्लेयर्स का परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा एंड ऑल्सो कुछ प्लेयर्स के बारे में कुछ लोग खुश नहीं थे बट वो प्लेयर्स भी आज परफॉर्मेंस दिया है yes, मैं जानता हूँ ओपोनेंट में कोई फॉरेनर नहीं था बट अगेन नॉर्थ ईस्ट वॉज ऑल्सो प्लेंग विथ टू फॉरनर्स ओनली सो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था इस बारे में येस हाई लॉल्सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा कैप्टन

यही मेरा point है कि जितने भी टीम के प्लेयर्स थे जो पहली बार खेल रहे हैं फाल्गुनी बोलो मिचेल जवाको बोलो और इन दोनों का अगर नाम ना लो और बाकी भी जो नाम है एवरीबडी प्लेयर फ्लॉलेसली जो नए टीम के लिए आए थे एंड न्यू ट्रांसफर्स लुक्स वेरी गुड फिफ्थ पॉइंट पार्थिव गोगोल को कि मैं साइड में कर देता हूँ वो पॉइंट मैं बहुत इलेबोरेट करूंगा बट फिफ्थ टॉकिंग पॉइंट एंड द मोस्ट इम्पोर्ट नॉर्थ ईस्ट का मिडफील्ड मुझे आज भी अच्छा नहीं लगा मिडफील्ड को काम करने की जरूरत है द दीम प्लेट ब्रिलियंटली इतने सारे पॉजिटिव्स बोले फिफ्थ टॉकिंग पॉइंट एक नेगेटिव बोलूंगा नॉर्थ ईस्ट फैंस कुछ माइंड मत करना इंडियन मिडफील्डर्स के ऊपर नॉर्थ ईस्ट को इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि तो आज जो मिडफील्डर्स खेल रहे थे फाल्गुनी के अलावा किसी एक को देखो रोमेन विल बी गुड वी नो

बोलूंगा अंकित इसका आंसर आंसर भी दूंगा पहला और एक ले लेता हूं is, पार्थिव गोगोई को क्यों मैं जनरेशन बोल रहा हूँ तारीफ कर रहे नहीं पार्थिव गोगोई जो लोग मेरा लाइव देख रहे थे वो जानते हो मैं पार्थिव गोगोल कितना ज्यादा प्रेस करता हूँ क्योंकि उसके अंदर सारी एबिलिटीज है एक पार्थिव इज अ वेरी गुड बॉल प्लेयर उसका टेक्निकलिटी है इंडियन और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेयर्स का एक बहुत बड़ा नेगेटिव है वो बहुत अच्छा प्लेयर होते हैं बट उनका टेक्निकलिटी अच्छा नहीं होता

देखो उदानता के बारे में मुझे हर एक चीज अच्छा लगता है उदानता सब कुछ करता है बट उदानता जब गोल मारने का मौका था वो थोड़ा सा पोजिशनिंग उसका गलत हो जाता है जब यंग प्लेयर था बट पार्थिव के बारे में वो बहुत कंप्लीट प्लेयर है वो पोजिशनिंग बहुत अच्छा है जहां पे गोल हो सकता है पार्थिव आसपास आसपास ही रहता है विच मेक्स पार्थिव अ वेरी वेरी गुड प्लेयर अब आ जाता हूं और एक इंपॉर्टेंट प्लेयर के बारे में दैट इज पार्थिव के और एक इंपॉर्टेंट स्टैट्स के बारे में वो है

उसी टेक्ट्रिक से आप नॉर्थ ईस्ट को आई में भी देखोगे काउंटर अटैकिंग फुटबॉल भी देखोगे काउंटर अटैकिंग फुटबॉल के ऊपर डिपेंड करके नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड खेलेगी और आप एक चीज देख लेना पार्थिव गोगोई और प्रज्ञान थे बट इस टूर्नामेंट में शायद पार्थिव और रिधिम हमें देखने को मिले ये दोनों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा क्योंकि टीम विंगर्स के ऊपर बहुत डिपेंड करेगी उनको अटैक में भी हेल्प करेगी और टीम के डिफेंस में भी उनको हेल्प करना पड़ेगा विच मेक्स देम अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट और गेम का आज आपने जो स्पीड देखा जो स्पीड होगा इससे भी ज्यादा स्पीड होगा क्योंकि देखो अभी भी टीम सेटल हो रहा है बट फिन फ्यू दे विल बिकम मोर सो मंथलेशन उतना ऐसे ही स्टैंड में जाओ टीम का हौसला बढ़ाते रहो भाई एनयूएस में और कितने प्लेयर साइन कर सके एक या दो करेंगे मोस्टली इंडियन प्लेयर साइन हो चुका है फॉरिनर ज्यादा प्रायोरिटी बट एक या दो प्लेयर जरूर साइन हो सकते हैं मनवीर मनवीर लुक लाइक अ वेरी गुड प्लेयर अंकित वॉज इन द पॉडकास्ट अंकित जानते हैं वॉचलॉन्ग में मनवीर को अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफ सी प्रॉपरली मनवीर को रेडी कर सकती है मनवीर को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा मनवीर के पास सारे टैलेंट्स है मनवीर एक प्रॉपर फॉल्स नाइन बन सकता है गोल भी मार सकता है और भाई जैसा वर्क रेट दिखा के बॉल को विन कर रहा था बॉल विनिंग जो एक सीडीएम लेवल का बॉल विनिंग कर रहा था आज काबिले तारीफ है एबसेलरी काबिले तारीफ है अब आ, आज जितिन ने बहुत अच्छा खेला है पासिंग बहुत अच्छा था फाल्गुनी सिंह क्या प्लेयर है फाल्गुनी जितिन का मैं और थोड़ा सा देखो जितिन बहुत अच्छा प्लेयर है भाई जब हमारे शो में आए थे अब राइट नाउ वो नेपाल के कोच है और गोकुलम के पुराने कोच नाम मैं क्यों बोल रहा हूं मैं नहीं जानता मुझे क्या हुआ है बट ही ऑलवेज सेट दिस इन आवर शो इस ये प्लेयर दैट इज फाल्गुनी दैट इज जीती नेमेस जीती नेमेस इज वन ऑफ हिज बेस्ट कोचेज प्लेयर

यहाँ पे पहला वीडियो आ चुका है प्रेडिक्टेड लाइन ऑफ सीरीज का देखना मत भूलना और अगर आप अपने टीम का वीडियो चाहते हो कमेंट सेक्शन में अपने टीम का नाम लिख देना कि आप अपने टीम का वीडियो देखना चाहते हो पहला वीडियो आ चुका है एफसी गोवा दूसरा मोहन बगान भी आ जाएगा उसके बाद आप लोग जैसे चाहोगे वैसे हम लोग बनाएंगे वेट कर जाओ देयर विल बी अलॉट मोर वीडियोज मैंने लिंक शेयर कर दिया है एक चीज मत भूलना वीडियो को शेयर कर दो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक ग्रुप में या फ्रेंड्स ग्रुप में नॉर्थ ईस्ट वाले

एंड विल्मर मिलो में कौन बेटर मिलो का गेम हमने इंडिया में देखा ही नहीं तो कैसे कंपेरिजन करू बट अगेन जब होगा मैं जरूर बोलूंगा तो गाइज आज के लिए इतना ही फिर मिलूंगा कल दोपहर को विद्रांसफर न्यूज और